वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन समाकलन गुरु। 7.5 का एक क्वेश्चन है, छठवां वाला। इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, यानी 1 - x² / x क्वेश्चन 1 - 2x का हमको क्या याद करना है, समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह इंटू क्या रह जाएगा, dx। हम इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें और देखना है, यदि अंश की घात और हर की घात सेम हो या अंश की घात बड़ी हो तो पहले हर भाग करते हैं, यानी 1 - x² है, नीचे क्या है, x का गुणा 1 में x आएगा, फिर x का गुणा -2x में -2x², यानी x² भी बन गया, यानी अंश और हर की घात सेम है तो अंश और हर में भाग करते हैं। तो पहले भाग कर लेते हैं, यानी क्या लिखा गया था आपका, 1 - x² था, भाग किससे हो रहा है आपका, बटन क्या है, x का गुणा 1 में x माइनस x का गुणा 2x में आएगा 2x² यानी इसका भाग इसमें हो रहा है, तो भाग कर रहे हैं हम। आपका बड़ी घात कौन है, x² है, यानी x² आना चाहिए, यानी 2x² में किससे भाग करें, तो देखते हैं, तो -2x² यानी बड़ी घात को ही हमेशा काटना पड़ता है, तो x² यहाँ पर 2x² है, यानी 2x² में किससे गुणा कर दें, x² आ जाए, 2 कटना है तो 1/2 बार ले जाएं, तो 1/2 का गुणा x² में 2 से 2 कैंसिल, x² आ जाएगा हमारा, तो गुणा करते हैं, यानी 1/2 बार ले जा रहे हैं, 1/2 का गुणा x में होगा तो आएगा x/2, यानी 1/2 का गुणा x में x, एक नंबर x/2, फिर माइनस है यहाँ पर 1/2 का गुणा इसमें भी होगा, 1/2 का गुणा होगा इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल, केवल -x² बचेगा आपका। अब हमेशा घटाते हैं तो यह माइनस है तो प्लस, अब -x² से +x² कैंसिल होगा आपका, यह कैंसिल हुआ तो आपका बचेगा कितना, 1 बचेगा और माइनस क्या बचेगा, x/2 बचेगा, ठीक है ना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक 1/2 है, यानी इतना सही इतना बटे इतना, यानी 1 + 1 - x/2 और पूरे 1/2 क्या रहेगा, x - 2x². अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको और भी सरल कर सकते हैं, अगर LCM ले लेंगे तो तब भी आएगा आपका, कुछ सरल हो सकता है, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। आपका क्या आ सकता है अब, यानी इसके जगह आपने क्या लिखा है, लिखा है इसके जगह आपने 1/2 + 1 - x/2, ये लिखा गया आपका 1/2 + 1 - x/2 और बटे क्या है, x - 2x² और x - 2x² क्या था आपका, यही था ना, x - 2x² यानी x^(1 - 2x), यही है आपका। अब आपका समाकलन दोनों में होगा, 1/2 में भी होगा (dx) और इसमें भी आपका समाकलन हो रहा है (क्या लग जाएगा, dx)। अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करना है, यानी इसका प्रतिरूप इतना बनेगा आपका, अंश और हर की घात सेम होती है तो भाग करते हैं, तो देखिए 1/2 × dx का क्या आएगा, x/2 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, इसको हम क्या मान लेते हैं i1, हमने इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या हमारा देखिए 1 - x/2 और पूरे का बटा है आपका x^(1 - 2x), सॉल्व करते हैं, आंशिक भिन्न बता सकते हैं, दो खंड है आपके, पहला वाला बटेगा a/x प्लस अगला बटेगा आपका b/(1 - 2x), राइट। अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, जब भी आंशिक भिन्न में इस तरह बदलना हो तो हर से भाग करते हैं, हर में क्या आपका x^(1 - 2x), इसे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे यह कट जाएगा, इधर क्या बचे, केवल 1 - x/2 बराबर, ये लिखा गया है यक्स से यक्स कटेगा तो बचेगा क्या आपका 1 - 2x प्लस b^(1 - 2x) लिखा गया है, 1 - 2x कटेगा, क्या बचेगा, केवल यक्स बचेगा आपका, यक्स लिख दिया गया, राइट। अब सबसे पहले a के बगल वाला जीरो करते हैं, a के बगल में क्या आपका 1 - 2x को जीरो करेंगे तो 1 - 2x उधर जाएगा +2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1, 2 गुणा मत कहाँ चलाएगा इसके, 1 के बटे में, यानी x की वैल्यू 1/2 आएगी, रख दीजिए इसी में, लिखा है 1 - x लिखा है, x की जगह 1/2 और बटे में आपका 2 पहले से ही, तो बटे में 2 हमने लिख दिया बराबर, 1 - 2x को आपने क्या माना है पूरा जीरो, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 प्लस बी गुणे एक्स लिखा है, एक्स का जगह क्या आपका 1/2। अब सॉल्व करते हैं, 1 - 1/2 गुणे 2 में आएगा 4 बराबर, 0 को छोड़ देंगे
बी और गुड़े क्या बचेगा वन बाई टू। अब आ जाएगा इसका सॉल्व करते हैं लघुत्तम लेके, तो चार का नम चार माइनस एक है यानी चार का नम चार में से एक गए तीन बटे चार और बराबर क्या बचेगा आपका बी गुड़े एक बटे दो, दो दूनी चार यानी आपका बी का मान आ गया तीन और बटे क्या है आपका दो, आपका बी का मान आ गया तीन बटे दो। अब ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पहले ए के बगल वाला जीरो किया, अब की बार बी के बगल वाला जीरो कर देते हैं, बी के बगल में क्या है यक्स, अब की बार यक्स को जीरो कर देते हैं तो रख देते हैं, यक्स की जगह जीरो रखना यानी इधर क्या है आपका वन माइनस एक्स बटे तो हद क्या आ जाएगा जीरो बराबर ए को स्टेक में वन माइनस टू यक्स है, यक्स के बगल में क्या हो जाएगा जीरो और प्लस बी में यक्स लिखेंगे इसकी वैल्यू जीरो जी क्या हो जाएगी जीरो ही यानी वन बचेगा, जीरो को छोड़ देंगे बराबर ए का मल्टीप्लाई होगा वन ए वन में तो क्या आएगा ए यानी ए का मान क्या आएगा आपका वन आ गया, इसी में रख देते हैं इसी समीकरण में यानी क्या लिखा गया वन माइनस एक्स बटे दो क्वेश्चन में है यानी एक्स क्वेश्चन में वन माइनस टू एक्स की जगह ए बटे एक्स प्लस बी बटे वन माइनस टू एक्स है तो हम वही लिख देते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था एक्स बटे टू यानी एक्स बटे टू हो गया प्लस लिखा आई वन, आई वन को क्या माना गया है समाकलन में वन माइनस एक्स बाई टू बटे है एक्स क्वेश्चन में वन माइनस टू एक्स और यहाँ पर है आपका वन माइनस वन एक्स बाई टू और एक्स क्वेश्चन में वन माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या है देखिए ए बटे एक्स प्लस बी बटे वन माइनस टू एक्स और ए की वैल्यू क्या है आपके पास वन तो हो जाएगा वन बटे एक्स लिखा है तो एक्स प्लस लिखा है यहाँ पर बी बटे वन माइनस टू एक्स और बी की वैल्यू क्या है तीन बटे दो तो हो जाएगा तीन बटे दो, तीन बटे दो और फिर बटे में क्या आपका वन माइनस टू एक्स हमने ले दिया। अब आपका समाकलन करते हैं, समाकलन के लिए डी एक्स लगा ही आपका, अब सॉल्व करते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से आएगा आपका एक्स बटे दो इसका समाकलन तो हो चुका है प्लस वन बाई एक्स में भी आपका समाकलन होगा इंटू डी एक्स लगेगा प्लस थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा आपका तो समाकलन में क्या बचेगा वन बाई वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं एक्स बाई टू प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई टू है अब ये भी वन बाई एक्स है तो क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह वन माइनस टू एक्स वैल्यू अलग होती है तो बटे में हो जाता है अवकलन, समाकलन ही क्या होगा अवकलन यानी वन का आएगा जीरो और माइनस टू एक्स का क्या आएगा माइनस टू और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या लगती है सी आ जाएगा आपका एक्स बटे दो प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस का गुणा माइनस में माइनस थ्री बाई दो का गुणा दो में करेंगे क्या आएगा चार लॉग क्या बचेगा आपका वन माइनस टू एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। यही आपका पूरा सॉल्यूशन है यहाँ तक। इसमें एक चीज़ आप लोग यही नोट कीजिएगा कि अंश और हर की घात बड़ी होती है यानी अंश की घात बड़ी तो भाग करेंगे या बराबर हो तब भी भाग करेंगे, भाग करने के बाद सॉल्व करेंगे, भाग किया गया है और वैल्यू लिख के सॉल्व किया गया है राइट।